मीरपुर खास ब्यूरो चीफ शाहिद मेमन, मीरपुर खास और उसकी गिरदोनवा में होने वाली मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी और मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासर हो गए हैं। लोगों ने घरों और मसाजिद में अजाने देना शुरू कर दी। नशीबी इलाकों और कच्ची आबादियों में कई कई फुट पानी जमा है और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। बारिश के बाइस बिजली की सप्लाई घंटों बंद कर दी जाती है। बारिश की वजह से सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। देही इलाकों में जानवरों में बीमारियां फैल रही हैं, जबकि गन्ने की फसल के अलावा तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मीरपुर खास और उसकी गिरदोनवा में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी और 36 घंटे जारी रहने वाली बारिश से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हैं। डीएमपीए की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बुध और जुमेरात को सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों सबसे ज्यादा मीरपुर खास में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। जबकि महकमा मौसमियात ने 20 अगस्त तक बारिशों की पेशनगोई की है। बारिशों से सबसे ज्यादा देही इलाके मुतासिर हुए हैं और गन्ने की फसल के अलावा तमाम फसलें तबाह हो चुकी हैं और जानवरों में बीमारियां फूट पड़ी हैं। शहर के गिरदोनवा में वाकई रिहायशी कॉलोनियों और कच्ची आबादियों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है और उन इलाकों के लोग शदीद अजियतनाक सूरत हाल में मुब्तिला हैं। शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने वाला रेलवे अंडरपास में पानी भर चुका है, जबकि सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से शहर के दोनों हिस्से कटकर रह गए हैं। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद होने से भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 36 घंटे से मुसलसल होने वाली बारिश के बाद बुध और जुमेरात की दरमियानी शब लोगों ने अपने घरों और मसाजिद में अजाने दी। मुसलसल बारिश से बिजली की सप्लाई भी बंद है। रात के औकात में ब्लैक आउट की कैफियत तारी रहती है, जबकि दिन के औकात में बिजली का गायब रहना मामूल बन चुका है। शहर और गिरदोनवा के दर्जनों ट्रांसफार्मर नाकारा हैं। बिजली की अदम फराहमी के बाइस लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिशों के दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला बिजली ना होने की वजह से डीजल पंपिंग स्टेशनों के जरिए पानी निकालने में मसरूफ दिखाई दिया, लेकिन मुसलसल ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी की मुकम्मल निकासी मुमकिन ना हो सकी। म्यूनिसिपल कमिश्नर मंसूर हुसैन अबड़ू का कहना है कि बारिश रुकते ही पहले मरहले में शहरी इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में शहर के गिरदोनवा में रिहायशी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी की जाएगी।